Rojo! Rojo, Rojo! Rojo! तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एजे और बड़े दिनों के बाद फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुका। पिछले दो दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, किसी रीजन से नहीं अपलोड कर पा रहे थे वीडियो, तो फिर से एक नई लोकेशन के साथ आ चुके हैं। गाइस, अभी जो आज की लोकेशन है उसके बारे में भी मैं पहले बता दूँ। यहाँ के बारे में जैसा बताया जाता है कि एक काफ़ी दिनों पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखना एक वीडियो चल रही होगी, आप वीडियो को देखो पहले फोन। और यहाँ के बारे में जो बताया जाता है वो ये है स्टोरी कि यहाँ पर देख सकते हैं कार गुजर रही, ऐसे ही उस वक्त भी एक कार गुजर रही थी, रात का समय था, 2:30 बज रहा था, और सामने से एक डायन आई, मतलब डायन जिसको बोलते हैं, एक बूढ़ी सी औरत थी जो अजीब सी आवाज़ निकाल के कार के पीछे पीछे रन कर रही थी। वो कार वाला पीछे जा रहा था, आप वीडियो में देखना, ऊपर वीडियो आपको मैं दे दूंगा आपको। तो वो यही लोकेशन है, आज हम लोग उसी लोकेशन को कवर करने आए कि आज सच में क्या इस लोकेशन में कोई डायन दिखाई पड़ती है क्या। ये एक हाईवे है जो उन्नाव के लिए जाता है कानपुर से, और आगे ही गंगा बैराज लखनऊ और उन्नाव दोनों के लिए जाता है। तो ये आगे गंगा बैराज है, यहाँ से ही गंगा जी है, और काफ़ी ठंड है, देख सकते हैं मुंह से कितनी भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो चलते हैं, आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ की ही वो लोकेशन है, यहाँ की ही वो वायरल वीडियो है जो कानपुर के नाम पे वायरल हो रही थी उस डायन के बारे में। तो देखते हैं आज हम लोगों को कोई ऐसी डायन मिलती है क्या। ये एक हाईवे जैसा है परमानेंट, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये नीचे पूरा खाई जैसा है, ये पूरा खाई है, नीचे खूब झाड़ियाँ हैं और गंगा जी, और उसके पीछे साइड में गंगा जी भी हैं। तो थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ठंडी बहुत है भाई। गाइस अभी एकदम यहाँ पर ना सन्नाटा है, एकदम सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो लेकर चलते हैं आपको थोड़ा आगे। देख रहे हो? ये वीडियो एक बनाने का मेरा मकसद यही था कि वो जो वीडियो वायरल हुई थी, क्या वो सच में डायन यहाँ पे नज़र आती है, पीछे पीछे दौड़ती है, ऐसा महसूस होता है। लोग बताते हैं, यहाँ की वीडियो भी आप देख लेना, मैं वीडियो को आप स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा। और वो थोड़ा ही सा आगे वो लोकेशन है जहाँ पर वो कार के पीछे पीछे डायन दौड़ रही थी। वीडियो को आप पूरा देखना पहले, उस वीडियो को उसके हाँ पेड़ लेना। अरे हिल रहा यार, आवाज आ रही है, जानवर भी तो हो सकता है। हाँ जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन इतनी ठंड में कौन तो जानवर होगा पेड़ के ऊपर यार। हाँ साइड आ जाओ, गाड़ियाँ आ रही हैं। गाइस थोड़ी सी नॉइस आएगी यहाँ पर क्योंकि हम लोग आज रोड के साइड में शूट कर रहे हैं, और अभी हम लोगों को थोड़ी हल्की सी एक आवाज़ आई है पेड़ के ऊपर से। उसके एकदम लास्ट में रोड होती है जो उन्नाव और लखनऊ के लिए जाती है, वही रोड है ये, यहीं की वो वीडियो थी। और ठीक मेरे हिसाब से ये खंभा है और इसके नीचे आसपास पे वो गाड़ियाँ, गाड़ी के पीछे पीछे वो डायन दौड़ रही थी। मेरी आवाज़ गूंज रही है यार, सन्नाटा ना, वो रास्ता लग रहा है वो। हाँ सही कह रहा, थोड़ा सा रुक के थोड़ा रोड को आराम से पार करना, आ जा। तो गाइस रोड के पार चलते हैं, वो खंभे लगे हैं इसके आसपास ही, वो लोग बता रहे थे जैसा मैंने वीडियो में भी देखा
वो कार के पीछे पीछे भाग रही थी और ये ऐसा ही कोई लोकेशन था। यही लोकेशन है, यही वो लोकेशन है गाइस जहाँ पर कार के पीछे पीछे वो डायन अजीब तरह सी आवाज निकाल कर भाग रही थी और वो कार बैक करके भागता जा रहा था। नहीं अभी तक कितने निशान कहाँ तक होंगे यार, ये किसी जानवर के निशान है। गाड़ी के भी तो हैं टायर के, पर ये किसी जानवर के निशान है। ये तो है किसी जानवर। और थोड़ा सा आगे लेके आना, इधर जंगल दिखा देना एक बार, कितना हॉन्टेड है यार जंगल। अगर हम लोग नीचे उतरने का रास्ता है पूरा, अगर आवाज आ रही पेड़ से, आवाज आई, ये देखो पूरा देख, ध्यान से सुन आवाज आ रही है। समतल रास्ता है पूरा निकलने का, देख रहे हो आगे जाने, पर वो जंगल है, उधर जा नहीं सकते अपन, जाना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये जाना ही नहीं है भैया, वहाँ पूरा जंगली जानवर होगा यार, टार गंदेरा हो गया भाई। देखो अब एक चीज और, लोग की बाइक कहाँ खड़ी है? पेड़ के पास आगे चलो, बाइक का सायरन भी नहीं बज रहा है यार, आगे थोड़ा चलते हैं। तो गाइस हम लोग वापस चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बहुत तेज भौंक रहे हैं और यहाँ पर चोर लोगों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है इस रोड पर, बताते हैं कई मर्डर्स भी हो चुके हैं, थोड़ा सावधान हो के चलो। थोड़ा दब के चलो रोड पे, ठीक है वापस की तरफ लेके चल रहे हैं गाइस। एक बार ना लाइट बंद करना, देखना कितना अंधेरा है इस रोड पर, लाइट जरा डिम करना, पूरी लाइट एकदम डाउन कर दो गाइस। अभी हम आपको पहले लाइट बंद करके दिखाते हैं इस रोड पर कितना अंधेरा है, कुछ भी आसपास का नजर नहीं आएगा आपको। लाइट डिम करना, डिम हो गई, डिम हो गई, नहीं नहीं लाइट बंद करना, हम कह रहे हैं पूरी 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 डिम करो। अरे ये फ्लैश लाइट की बात कर रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं अभी जरा भी हम लोग को नहीं दिख रहा पूरा, दोनों तरफ घुमा के दिखा दो दोनों तरफ गाइस, अभी बिल्कुल भी एकदम अंधेरा है। और अभी ऑन कर लो लाइट यहाँ पर क्योंकि खतरा हो सकता है जानवरों का। तो गाइस अभी हम लोग लेकर चलते हैं रोड के उस साइड पे, हो जाओ ठंड में बाइक भी नहीं बज रही यार। तो गाइस थोड़ा सा उस साइड पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाइक वहाँ बजी है, सेंसर नहीं मिल रहा उसका। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोगों ने केवल आप लोगों को विजिट करके दिखा दिया और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर डायन है और वो सबके पीछे दौड़ती है, ऐसा यहाँ का स्टोरी है। तो हम लोगों को तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर तक आगे गए और अभी वापस रिटर्न हम लोग गाड़ी के पास जा रहे हैं अपने। देख सकते कार अभी कितनी यहाँ पर गाइस, कार की स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग डरते बहुत ज़्यादा है कि इस रोड पर वो डायन पीछे लग जाती है, इसलिए यहाँ पे कार की स्पीड मैक्सिमम 80 से 100 की स्पीड रहती है यहाँ पर कार की, वो कार के पीछे दौड़ने लगती है डायन। सबसे बड़ी स्टोरी तो ये थी। आप स्टोरी को एक बार ना मैं स्क्रीन पे ऊपर दे दूंगा वीडियो, आप फुल वीडियो को देखना फिर बताना ये वही लोकेशन है कि नहीं, क्योंकि जो लोकेशन बताई जाती गूगल पे और ये YouTube पे वो यही रोड है, बाकी हम लोगों को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया गाइस। जो था हम लोगों ने पूरा आपको दिखाया उस रोड के बारे में। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि रात हो रही है और ओस भी बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो हम लोग जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म करेंगे। गाइस आ चुके हम लोग अपनी गाड़ी के पास वापस रिटर्न और पूरा चारों तरफ अंधेरा है, बस थोड़ी सी स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं थोड़ी इस रोड पर और कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे प्यार दिखाते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें।